हितेंद्र विष्णु ठाकुर, पत्नी का नाम प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर, जिनके 3 पुत्र हुए, क्षितिज ठाकुर, उतुंग ठाकुर और शिखर ठाकुर। क्षितिज ठाकुर का जन्म 10 जुलाई 1983 में महाराष्ट्र के देवगांव में हुआ था। क्षितिज ठाकुर इस समय 37 साल के हैं। क्षितिज ठाकुर ने 2004 में अपनी पढ़ाई विदेश यानी बाल्डविन वालास यूनिवर्सिटी से पूरी की। उसके बाद 2008 में मुंबई यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और 2010 में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले विश्व के सबसे प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। आपको बता दें कि क्षितिज ठाकुर के पिता यानी हितेंद्र ठाकुर अपने स्कूल के समय से ही राजनीति में रुचि रखते थे, इसीलिए कॉलेज में वे NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्य बने और इसी तरह मेहनत और लगन से 1990 में कांग्रेस पार्टी से विरार के विधायक बने, 1994 में इंडिपेंडेंट और इसी तरह देखते ही देखते उन्होंने अपनी इस जीत को अपनी ताकत बनाकर अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा बहुजन विकास आघाड़ी और सन 2000 में बहुजन विकास आघाड़ी से वे बाहुबली विधायक चुनकर आए। आपको बता दें कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्षितिज ठाकुर ने राजनीति में अपनी एंट्री मारी और 2009 में पहली बार वे विधायकी के लिए खड़े हुए और पहले ही बार में सबको पछाड़ दिया और विजयी बन गए। उस समय इनके विरुद्ध में शिवसेना, मनसे और भाजपा भी काफी दमखम से लड़े थे, लेकिन क्षितिज ठाकुर के पार्टी के आगे इनकी एक ना चली। क्षितिज ठाकुर ने 29 जनवरी 2012 में प्राची ठाकुर के साथ काफी धूमधाम के साथ शादी की। आपको बता दें कि क्षितिज ठाकुर जब से नाला सुपारा की विधायकी सीट पर खड़े हुए हैं उनके सामने कोई टिका नहीं है। नाला सुपारा विधानसभा 132 की सीट पर मानो बाहुबली नेता क्षितिज हितेंद्र ठाकुर ने अपनी छाप छोड़ दी हो। इसी तरह महाराष्ट्र के विधानसभा में क्षितिज ठाकुर की गिनती टॉप 10 यंगेस्ट MLAs में होती है। हालांकि क्षितिज ठाकुर के ऊपर विधानसभा में बड़े आरोप भी लगे थे। जी हां, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में एक पुलिस ऑफिसर को मारने की वजह से इनको 20 मार्च 2013 से लेकर 31 मार्च 2013 तक सस्पेंड भी कर दिया गया था और तभी से लेकर अभी तक इन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और इनकी गिनती बाहुबली नेताओं में शामिल होती है। वहीं 2019 में क्षितिज ठाकुर को यंग एंड डायनामिक फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। आपको बता दें कि इनकी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी COVID-19 के समय अनाज प्रदान करने में और सैनिटाइजेशन करने में पूरे महाराष्ट्र में पहले चरण पर है और इसी तरह से ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि इनकी सीट आज तक डगमगाई नहीं है। हालांकि इस पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार कर इन्होंने वसई विरार अपना गढ़ बना लिया है जहां इनको हराना मानो नामुमकिन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज, वसई विरार।